आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम आकारों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम यौगिक आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। अब प्रश्न यह है कि यौगिक आकृतियां क्या होती हैं? यदि हम यौगिक शब्द पर ध्यान दें तो हम जानते हैं कि इसका मतलब जोड़कर या जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो आकृतियां जिनमें हम एक से अधिक आधारभूत आकृतियों जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज आदि को देख सकते हैं, उन्हें यौगिक आकृतियां कहते हैं। सोहन एक 20 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का निर्माण चाहता है। वो मैदान के बीच 4.5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी एक आयताकार पिच बनाना चाहता है। सोहन को पिच छोड़कर पूरे मैदान में घास लगानी है, जिसके लिए वो जानना चाहता है कि कुल कितने क्षेत्रफल के लिए घास की आवश्यकता होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि घास द्वारा कितना क्षेत्र कवर होगा? क्योंकि इस स्थिति में हम पिच पर घास नहीं लगा रहे हैं, इसलिए यहां हम मैदान के क्षेत्रफल में से पिच का क्षेत्रफल कम कर सकते हैं। इसलिए घास द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैदान के कुल क्षेत्रफल में से पिच के क्षेत्रफल को घटाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि हम मैदान का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि मैदान वृत्ताकार है और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग होता है, परंतु इस सवाल में तो व्यास का मान दिया गया है। क्या आप दिए हुए व्यास से त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं? शाबाश, त्रिज्या व्यास के आधे के बराबर होती है, इसलिए यहां त्रिज्या 10 मीटर होगी। यहां इस सूत्र में त्रिज्या यानी आर का मान 10 मीटर प्रतिस्थापित करने पर मैदान का क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर मिलता है। आइए अब पिच का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्योंकि पिच आयताकार है, इसलिए पिच का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। अब मैदान तथा पिच के क्षेत्रफलों के मान प्रतिस्थापित करने पर आप घास द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए देखें कैसे। तीन सौ दशमलव 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में घास लगनी होगी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये है मीनू। मीनू एक वर्ग और अर्ध वृत्ताकार गत्ते के टुकड़े को कुछ इस प्रकार जोड़ती है। अब वो इस नई आकृति के बॉर्डर पर एक रिबन लगाना चाहती है, जिसके लिए वो एक दुकान पर जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मीनू को कितना रिबन खरीदना होगा? इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रिबन कहां लगेगा। बिल्कुल सही, रिबन कुछ इस प्रकार बॉर्डर पर लगेगा, यानी कि हमें इसके बॉर्डर का माप ज्ञात करना होगा। शीर्ष ए से शुरुआत करते हुए आकृति की ओर एक चक्कर लगाएं। आप देख सकते हैं कि ए से बी तक जाने में 14 सेंटीमीटर रिबन लगता है, क्योंकि ए बी वर्ग की एक भुजा है। क्या आप बता सकते हैं कि अर्ध वृत्ताकार हिस्से पर कितना रिबन लगेगा?
बिल्कुल सही। इस पर लगने वाले रिबन की लंबाई वर्ग की भुजा पर बने वृत्त की परिधि की आधी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि वर्ग की इस भुजा पर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? चित्र में आप देख सकते हैं कि भुजा BC व्यास है, इसलिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। इस गणना की मदद से हम अर्धवृत्त BC पर लगाए गए रिबन की लंबाई का पता लगा लेते हैं। क्योंकि वर्ग की सभी भुजाओं का मान बराबर होता है, अतः CD व DA भुजाओं पर भी 14-14 सेंटीमीटर लंबाई का रिबन लगेगा। इस प्रकार गत्ते के टुकड़े पर कुल 64 सेंटीमीटर रिबन लगेगा, अतः मीनू को 64 सेंटीमीटर रिबन लेना होगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कैसे हम किसी भी यौगिक आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।